सावनेर तहसील के खापरखेड़ा थाना में एक 18 वर्षीय अपराधी के थाने से भाग जाने से पुलिसिया कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खापरखेड़ा पुलिस की मार से आहत और देसी कट्टा रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया आरोपी पुलिस कस्टडी से भाग गया। इस घटना में जांच अधिकारी एपीआई फाल्गुन घोड़मारे और सिपाही शत्रुघ्न वहाने को पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार ने निलंबित कर दिया, जबकि उक्त दिखावे की कार्रवाई दिखाकर खापरखेड़ा पुलिस के स्थानीय अपराध शाखा टीम वाहवाही लूट अपनी पीठ थपथपाने की चर्चाओं का बाजार गर्म है। वही करे कोई और भरे कोई ऐसा मुहावरा यहां सिद्ध हो गया। स्थानीय अपराध शाखा टीम द्वारा अपराधी पीयूष के भाई को इस मामले में फंसाने की धमकी मिलने के बाद आरोपी थाने से भागने का मौका ढूंढ रहा था। शनिवार की रात और रविवार की सुबह ड्यूटी मददगार ने गिरफ्तार अपराधी के लिए पुलिस गार्ड तैनात नहीं किया था। घर पर गन ना होने के बावजूद डीबी टीम ने पीयूष के घर से गन निकाल कर ले आई। इस वजह से पीयूष को डर सताने लगा। चोरी के मामले में भी पुलिस पीयूष को फंसाएगी और भाई पर भी यही मामला दर्ज करेगी। इस डर की वजह से आरोपी पीयूष खापरखेड़ा थाने से मौका मिलते ही पुलिस के आंखों के सामने से भाग खड़ा हुआ। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस टीम के झूठे कार्रवाई की वजह से आरोपी पीयूष के अलावा एपीआई घोड़मारे और सिपाही वहाने को निलंबित किया गया, जबकि दिखावे की कार्रवाई करने वाले डीबी टीम वाहवाही लूटने की बात कही जा रही। खापरखेड़ा डीबी पुलिस ने इन 3 महीने में वाहवाही लूटने और डीबी इंचार्ज पीएसआई का नाम रोशन करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ऐसा खापरखेड़ा थाने में कार्यरत कर्मचारियों का कहना है। पुलिस अधीक्षक के खौफ और खापरखेड़ा थाने में चल रहे अपराध शाखा के एकाधिकार रवैये के चलते कोई भी कर्मचारी आवाज उठाने से कतरा रहा है। महिला पुलिस कर्मचारी और अधिकारी को लेकर भी थाने में अलग अलग बातें की जा रही है। वही नागपुर जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार ने कर्मचारियों की परेशानी समझना चाहिए ऐसा पुलिस कर्मियों का मानना है। खापरखेड़ा थाना अंतर्गत अब तक अनेकों बार देसी कट्टा तमंचे अपराधियों से बरामद कर उन पर मामले दर्ज कराए गए, फिर भी आए दिन तमंचे लेकर खुलेआम घूमने वाले छुटभैये अपराधियों पर खापरखेड़ा पुलिस अंकुश लगाने में सफल नहीं हो पा रही, जिससे सामान्य लोगों में दहशत का वातावरण निर्माण है। फिलहाल खापरखेड़ा पुलिस फरार अपराधी को ढूंढ निकालने में लगी हुई है। महानिवेदन के लिए किशोर ढूंढेले सावनेर।